हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ, मस्त और हैप्पी, राइट? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो है इस बारे में कि आपके पार्टनर एक्चुअली में आपसे कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं जो आपके ईश्वर, आपके खुदा और आपके डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, ध्यान से उनकी आंखों को विजुअलाइज करिए और मैं यहाँ पे आपके पार्टनर्स की एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ। जिन भी लोगों का नाम या उनके पार्टनर का नाम PSMOUDJLABH से है, उन लोगों को ये रीडिंग ज्यादा रिजोनेट करेगा क्योंकि मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है। तो आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं? सबसे पहले बात तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की बात किया जाए तो अभी उनके पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। बहुत स्ट्रांग लॉस मुझे बहुत सारे लोगों को उनके बिजनेस में मिलता हुआ दिख रहा है। उनको अपनों से ही एक ट्रिगर्ड मिलता हुआ दिख रहा है और ये ट्रिगर कुछ ऐसा है जो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे भाई या मेरी वाइफ या मेरे घर के फैमिली मेंबर्स जिन्हें मैं अपना मानता हूँ वो मुझसे इस तरीके से बात करेंगे। उनके पैरों से जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है, पूरे तरीके से डिस्टॉर्टिक एनर्जी में है, पूरे तरीके से अपसेट हो चुके हैं आपके पार्टनर और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस कहाँ पे लेकर जाए। आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रांग झटका मिला हुआ है और डिवाइन आपके पार्टनर का टेस्ट ले रहा है। आपके पार्टनर के लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बट चलते चलते 80-90% तक आते आते अब कुछ चीजें यू टर्न हो गई है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की जो स्पेशल लर्निंग उनको लेनी थी, अपने लाइफ के रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने लाइफ के गोल के रिलेटेड, अपने लाइफ के पर्पस के रिलेटेड, अपने खुद की प्योरिटी के रिलेटेड, वो चीजें वो लर्न नहीं कर रहे हैं। इसलिए डिवाइन ने ये इंटरवेंशन का फैसला फिलहाल लिया हुआ है। आपके पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं तो उन्हें आप बहुत खुश लगते हो, उन्हें आप बहुत अच्छे लगते हो, उन्हें आप बहुत प्यारे लगते हो। आपके पार्टनर लोगों को बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, वो बहुत खुश हैं, वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं बट असल में उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें चल रही है। आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं जो एडिक्शन से रिलेटेड है, ऑब्सेशन से रिलेटेड है। उनको किसी चीज़ का बहुत स्ट्रांग एडिक्शन है और आपके पार्टनर इस चीज़ को आपसे हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग भी दिख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये बात छुपा रहे हैं कि उनकी कहीं पे तो बात चल रही है। अब ये बात किसी थर्ड पर्सन से हो सकती है या ये जो बात मुझे दिख रही है ये स्ट्रांगली बात दिख रही है कि वो अपने जॉब की शिफ्टिंग के रिलेटेड या अपने लाइफ में किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसफर लेने के रिलेटेड बातें चल रही है या उनके घर की शिफ्टिंग हो रही है या तो उनके घर में उनके मैरिज के रिलेटेड बातें चल रही है। ये बातें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे खुल के बात करना चाहते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे ये सारी बातें जो भी कुछ उनके लाइफ में चल रही है वो आपको कैसे बताएं। आपके पार्टनर अब एक ऐसे सिचुएशन में है कि उनके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो उनको एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। हालांकि चीजें एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का एक्शन या मूवमेंट अपने लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये सारी बातें एक्चुअली छुपा रहे हैं कि उनके घर में, उनके वर्क प्लेस में, उनके बिजनेस में, उनके फाइनेंसेस में चल क्या रहा है। वो आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। वो जैसा आपके लिए मन फील करते हैं, उनके मन में जैसी बातें आपके लिए चलती है, जैसा उनके मन में आपके लिए विश्वास प्यार है, अब वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझ के कुछ टाइम से आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे। तीन से चार वीक हो चुका होगा, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे, आपके फोन को नहीं उठा रहे होंगे, आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, ठीक है।
आपके पार्टनर आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, बट वो बैलेंस को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, वो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, या बात वो आपको नहीं बता पा रहे हैं कि वो आपके और उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो आपके और उनके फाइनेंसेस के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में इस बैलेंस को, इस पीस को, इस होप को वो मेंटेन नहीं करके रख पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपके लिए अनकंडीशनल लव अपने अंदर महसूस करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज है वो मैनिपुलेट भी हो रही है। मतलब कुछ लोग आपके पार्टनर के लाइफ में हैं जो आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हैं, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे छुपाते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही, देखिए द लवर्स का कार्ड आ गया, यहाँ पे मुझे जो भी चीजें दिख रही है ना, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आप उनकी जान है, आप उनकी पूरी दुनिया है, बट किसी ना किसी रीजन से वो चीजें आपको नहीं बता रहे हैं, वो आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। उनके लाइफ में अगर आप देखेंगे ना, तो पूरी तरीके से अभी डिस्ट्रैक्शन चल रहा है उनके लाइफ में, एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पे उनको सीख कर आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। अभी वो पूरे तरीके से ना अपने आप को बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर मोड में रखना चाह रहे हैं। किसी को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, जिसे जो समझना है समझे, किसी को कोई भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि फिलहाल वो अपने लाइफ के पीस को, पेशेंस को मेंटेन रख के अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन सही भी है, क्योंकि अभी उनके लाइफ में जितनी इश्यूज चल रहे हैं, अगर इस इश्यूज का किसी को वो एक्सप्लेनेशन भी देंगे तो कोई नहीं समझेगा। तो बेटर ये है कि शांत रहना, डिवाइन को सरेंडर करना, अपने इश्यूज को सॉल्व करना, एंड देन फिर वो वन बाय वन सबसे कम्युनिकेट करेंगे। बट मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग दिख रहा है, अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और इन लॉज आपके साथ नहीं है, तो आपके जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं आपके इन लॉज की वजह से, जैसे मदर्स की वजह से, फादर्स की वजह से, ब्रदर्स सिस्टर की वजह से, उनके लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़े से डिस्टर्ब हैं, बट वो आपको ये सारी चीजें एक्चुअली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे वो बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इतने ओपन नहीं है इन सारी चीजों से उनसे बात करने के लिए, आप उनको वो ओपन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे, आप इतने अप्रोचेबल करंटली उनको नहीं लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हाइड करके रखी है। और थोड़ी थोड़ी चीजें उन्होंने इसलिए हाइड करके रखी है कि वो आपको अपने लाइफ का कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, आप अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करें, और उनकी जो परेशानी है उनको लगता है वो खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। इनके पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहा है, लव लाइफ में आपसे जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं आप पे, बहुत जितना ईश्वर पे भरोसा है, अपने माता पिता पे भरोसा है, उतना ही इस पर्सन को आप पे भरोसा है, बट फिर भी उनको आपसे ये चीजें छुपानी पड़ रही है। मतलब लाइफ में कुछ ऐसा टफ सिचुएशन चल रहा है जिससे वो छुपा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उससे ही कोई कोई बात हमें छुपानी पड़ती है उसके अच्छे के लिए। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चुप है, आपके कॉल मैसेजेस को कट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप उन्हें देखोगे तो आप टूट जाओगे। आपकी खुशी के लिए उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करके रखा हुआ है। आई होप फैमिली ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस टॉपिक को जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच फैमिली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू फैमिली, गॉड ब्लेस द कपल्स, बाय बाय।